दोस्तों, कल रात हम आ गए थे कश्मीर, श्रीनगर, और अभी हम हैं मुस्तफ़ा कॉलोनी में। ये है होटल हमारे मुजम्मिल भाई का, जिसमें हम रुके हुए हैं। अभी आपको प्रॉपर्टी चेकआउट करवाता हूँ किस तरीके की है। अब हम यहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे डल लेक और हज़रत बल दरगाह जाएंगे। तो दोस्तों, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमीन फारूकी एक बार फिर से आ गया हूँ एक नया ताज़ा व्लॉग लेके लद्दाख सीरीज़ का। और यहाँ पे जाई तैयारी कर रहा है, माउंट लगा रहा है, क्योंकि हम लोग शिकारा वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग वीडियो वगैरह बनाएंगे आप लोगों के लिए, अपने व्लॉग बनाएंगे। तो अब नीचे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बाइकें, इधर हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं, ये इधर हमारी बाइकें हैं। तो एक बाइक लेके जाएंगे कोई सी भी, तो आए थे हम लोग हज़रत बल मस्जिद। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है हज़रत बल मस्जिद, और यहाँ पीछे है डल लेक और ये सब पहाड़। तो हम लोग कुछ शूट कर रहे हैं, वीडियो वगैरह, रील वगैरह कुछ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। आ गए हैं हम लोग शिकारा के अंदर। वो बहुत हिल रहा है, लेकिन ये शिकारा लाइव उतारते और यहाँ रखते। ये है कश्मीर मेरे दोस्तों, और हम बैठे हैं इस टाइम पे शिकारा राइड कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं तो यहाँ पे लेट भी गया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारी शॉप्स हैं, फ्लोटिंग शॉप हैं जो आ रही हैं हमें कुछ कुछ देने, कहवा, ज्वेलरी, फोटोग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें, कबाब वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा क्या क्या। तो दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें ना, बिल्कुल कंफर्टेबल है हम लोग इस बोट के अंदर शिकारा राइड में। तो वो आप देख सकते हैं उस साइड ना, ये बोट हाउस है, मैंने साइड दिखाया आपको, ये बोट हाउस। दो भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, भाई यहाँ पे कहवा, कहवा क्या कहते हैं भाई, कहवा, कहवा। तो ये है कहवा, और सच में यार बहुत बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का सीन, सारा रूम हमारा फैला हुआ है, और निकलने की तैयारी। हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, बाइक हमारी ठीक खड़ी है यहाँ पे। हमने चेन ल्यूब, चेन क्लीन कर दिए, लेकिन सिर्फ एक ही बाइक लेके जाएंगे, हिमालयन लेके जाएंगे।
जो कुछ उसके पार्ट्स लूज थे वो भी ठीक कर दिए, टैंक बैग्स आई रेडी, सब रख लिया, लॉक कर दो। चलो भाई चले, इंटरकॉम कनेक्ट है हमारा, ये हमारा होटल है, होटल लाइट हाउस। यहाँ पे खाने खाने की जगह है, दरबार कुछ इस तरीके से है। नीचे उतरते हैं, ये खड़ी हमारी बाइक, एक्सपल्स नहीं लेके जाएंगे, हिमालयन लेके जाएंगे सिर्फ आज। बिस्मिल्लाह रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हवला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो होटल से निकल गए हैं, मौसम हो रहा है सुहाना और हमें याद आ रहा है गाना, पीछे बैठा है जाहिद। जाहिद और मैं इंटरकॉम से कनेक्ट हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 101 है भाई यहाँ पे, तो 101 है, 101। बस एक घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर यहाँ से चलेगा, 40 किलोमीटर। तो ये है हमारा डे टू इन कश्मीर, और कल मैंने आपको दिखाया लोकल कश्मीर, जिसमें हम गए थे हज़रत बल मस्जिद, दरगाह और मखदूम साहब दरगाह, एंड डल लेक में हमने करा शिकारा में बोटिंग करी, हमने कहवा वहवा पिया और वहाँ का लोकल फूड खाया। और अब हम आए हैं आज डे टू में गुलमर्ग, अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग की साइड। तो ये एक ही ब्लॉग है जिसके अंदर मैं ये सब कुछ दिखाऊंगा आपको। हमारी हमने एंट्री, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे चलेंगे, यहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से कहीं और लेके जाती हैं आगे, लेकिन हम तो जहाँ तक जा सकते हैं बाइक वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये है गुलमर्ग जहाँ पे हम आ गए हैं, और हॉर्स राइडिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे 6 पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, यहाँ इसे कहते हैं व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा गुलमर्ग नजर आता है। एक बार दिखाना चाहिए सबको गुलमर्ग। भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस पे। तो यह है हमारी ऑफ रोडिंग हॉर्स है हमारा, ये बाइक पे तो ऑफ रोडिंग बाइक पे तो बहुत घूम लिए, अब इस पे घूम रहे हैं। हम कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग, जैसा कि आपने देखा भाई गंबूट है। तो दोस्तों हम आ गए हैं गुलमर्ग के ये इन जंगलों के अंदर, यहाँ पे टूरिस्ट आता ही नहीं है, बहुत रेयर कोई टूरिस्ट आया तो आया, लेकिन असली जगह जो है यही है घूमने की। ये फोटो थोड़ा चलेगा, हाँ
तो फिलहाल अपडेट ये है कि हम लोग गुलमर्ग होके आ गए हैं। हमने वहाँ पे हॉर्स वाली ट्रैकिंग करी और जो हमारे साथ में हॉर्स वाले अंकल थे वो हमें ऐसी जगह ले गए जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता, जंगल के अंदर। और यकीन मानो दोस्तों, एक अलग ही एहसास और एक अलग ही वहाँ पे फील हुआ हमें। बहुत अच्छा, बहुत पीस, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगा। तो हमारा गुलमर्ग आना वर्थ रहा। तो फिलहाल अपडेट ये है कि अब हम लोग निकल रहे हैं वापस श्रीनगर के लिए। अब टाइम हो रहा है 3:24 आफ्टरनून। तो हम लोग श्रीनगर के निकल गए हैं यहाँ से, और एक दो घंटे यहाँ से अभी हमें पहुँचने में लगेंगे। कुछ हमें काम वहाँ पे बाकी है, थोड़ा सा बाइक हमें जायद की चेक करवानी है और सामान थोड़ा सा हमें अपना पैक करना है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। कल हम लोग जा रहे हैं कारगिल के लिए। तो दोस्तों अपडेट फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो के व्लॉग जो हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, लेकिन जब हम यहाँ से निकल रहे हैं कारगिल के लिए तो उसके बाद नेटवर्क का, वाईफाई का इशू हो सकता है, तो हो सकता है व्लॉग हमारे मेरे कुछ दिन रुक के आएँ, तो उसके आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मुझे वाईफाई और इंटरनेट अच्छा मिला तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू व्लॉग डालूँगा। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अपना और अपने का ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। इसी नोट पे साइनिंग ऑफ योर दोस्त, योर होस्ट अमीन फारूकी।